शुक्रवार को किसान कांग्रेस कानपुर के जिलाध्यक्ष नरेंद्र चंचल कुशवाहा के द्वारा किसानों की मांग को लेकर मंडल आयुक्त कानपुर मंडल को ज्ञापन दिया गया है। बताया जा रहा है कि ज्ञापन में उन्होंने शासन से मांग रखी है, किसानों का कर्जा माफ़ किया जाए, बिजली के बिल माफ़ किए जाएं, कोरोना काल में किसानों के हुए नुकसान की भरपाई की जाए तथा किसानों की आय को दोगुनी किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसानों का कर्जा माफ़ ना हुआ और किसान कांग्रेस की मांगों को न माना गया तो एक उच्च स्तर पर आंदोलन करेंगे। इनके इस ज्ञापन में प्रमुख रूप से नगर ग्रामीण जिलाध्यक्ष अमित पांडे, तूफेल अहमद, अंकित धानविक, इमरान खान, संतोष राज, कमल कुशवाहा, सोहेब अहमद आदि लोग मौजूद रहे। मेरा नाम नरेंद्र चंचल कुशवाहा है, मैं कानपुर किसान कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ। आज जो मंडल आयुक्त कार्यालय कानपुर मंडल कानपुर को आपके द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, किस संबंध में दिया जा रहा है? हमारा किसान कांग्रेस 23 अगस्त से 29 अगस्त तक लगातार प्रोग्राम चला रहा है चार चरणों में, जो कि आज तीसरे चरण का ज्ञापन का पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार कार्यक्रम ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारी मांग है ज्ञापन के माध्यम से मंडल आयुक्त साहब से कि उत्तर प्रदेश में हो कानपुर मंडल के 6 जनपद आते हैं, 6 जनपदों में किसान जो कि बदहाल हो चुका है, फसलें नष्ट हो चुकी हैं, किसान कर्जा लिए हुए, क्रेडिट कार्ड से कर्जा लिया है, बैंकों से कर्जा लिया है, खाद फसल की पैदा करने के लिए समय पर वर्षा ना होने के कारण खरीफ की फसल नष्ट हुई है और बुआई 42% तक हो पाई है। तो हम चाहते हैं ऐसे किसान भाइयों का कर्जा माफ़ किया जाए जो बेचारे असमर्थ हैं, गरीब हैं और किसी कारणों से कोरोना काल से लेकर अब तक का कमर तक टूट चुकी है किसान भाई जो कि रो रहा है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं ज्ञापन के माध्यम से कि उन किसान भाइयों का कर्जा माफ़ किया जाए। अपने लेखपाल के माध्यम सर्वे करा लीजिए, उसके बाद कर्जा माफ़ करिए। यदि आपकी मांगे नहीं मांगी यदि आपकी मांगे सरकार नहीं मानती है तो इसका क्या आगे करें? अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो 29 तारीख को हम लोग लखनऊ कृषि भवन का घेराव करेंगे और इससे भी बात ना बनी तो 4 तारीख को महंगाई का मुद्दा, किसानों के कर्ज माफ़ी का मुद्दा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में दिल्ली में हम लोग कूच करेंगे और बड़े तादाद पे पूरे देश को जनता के साथ मिल करके हम लोग किसानों के हक की लड़ाई को पूरा करेंगे। हमारे बीच में प्रदेश महासचिव हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष है श्यामदेव सिंह जी भी, हम चाहते हैं इनसे भी किसानों के संबंध में क्योंकि किसानों के बीच काफ़ी रहे हैं। क्या नाम है? श्यामदेव सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी कानपुर नगर ग्रामीण। आज भी यहाँ पर नए जनपद के द्वारा नेतृत्व में ज्ञापन का कार्यक्रम किया गया, इसके बारे में जानकारी देखिए। पूरे प्रदेश में वर्षा न होने से खरीफ की फसल को नुकसान हुआ है, बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश का 12 करोड़ किसान, आज उसकी आर्थिक हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि एक एक पैसे का मोहताज हो चुका है। आज हम ये किसान कांग्रेस के लोग यहाँ आए हैं, माननीय मंडलायुक्त को ज्ञापन दे रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसान के कर्जे को, चाहे सहकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक से हो, सरकार द्वारा दिया गया हो, सारे कर्ज को माफ़ किया जाए शासनादेश लागू करके। जैसे हमने यूपीए सरकार ने 2008 में 72,000 करोड़ किसानों का कर्जा हमने पूरे देश में माफ़ किया था, वैसे मैं योगी से मांग करता हूं मुख्यमंत्री प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश के सारे किसानों का कर्जा माफ़ किया जाए, विशेष रूप से कानपुर महानगर के 10 ब्लॉकों का। किसानों का 2024 के लिए बहुत से कमियां हैं जो सरकार के खिलाफ जनता आक्रोशित हो रही है, चाहे महंगाई का हो, बेरोजगार का हो। आज आर्थिक स्थिति देश की जो इस बदतर है, इन सभी को लेकर के, किसानों की समस्याओं को लेकर के, सबको लेकर के 2024 तैयारी होगी। हमारा मकसद कांग्रेस का ये है कि इन जन समस्याओं को लेकर आंदोलन करेंगे, हमें वर्तमान सरकार को हटाना है।